दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को देखने वाले हैं जिनमें कुछ दोस्तों ने मिलकर एक YouTube चैनल बनाया होता है जिनमें वो अपनी जिंदगी के बारे में और एडवेंचर जगहों पर घूमने जाते हैं। इन्हीं बीच उनमें एक एक्सीडेंट हो जाता है जिनकी वजह से सबकी जान चली जाती है। तो चलिए इस मूवी को देखते हैं कि कैसी है ये मूवी। और अगर आप इस मूव ऑन मूवी चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में इससे भी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिन दोस्तों ने मिलकर YouTube चैनल बनाया होता है वो एक एडवेंचर जगहों पर जा रहे होते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े समुद्र के बीचों बीच होता है। वो लोग उस जगह पर जाने के लिए एक प्लेन का जुगाड़ करते हैं और फिर सभी अपना अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्लेन में उड़ते उड़ते अचानक से एक झटका लगता है। जब वो लोग बाहर देखते हैं तो प्लेन का पंख टूटने लगता है और धीरे धीरे करके वो पंख टूट कर प्लेन से पूरा अलग हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग समंदर में गिर जाते हैं। उनमें से लुइस नाम की लड़की तैर के ऊपर आती है पर उसे उसका कोई भी दोस्त दिखाई नहीं देता। पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे उसकी एक दोस्त मिलती है। वो लोग बाकियों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें प्लेन का एक पायलट दिखाई देता है जो काफी जख्मी होता है। वो उन लोगों से बताता है ट्रांसपॉन्डर बंद है जिसकी वजह से हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर हमें बचना है तो ट्रांसपॉन्डर को ऑन करना होगा। तभी उसकी दोस्त पानी में जाकर ट्रांसपॉन्डर को ढूंढती है और उसके अंदर ही उसे एक छोटी सी बोट मिलती है जिसे खोलकर लुइस और उसकी दोस्त बोट पर चढ़ जाती है। पर उसका एक दोस्त सामने एक किला होता है जहाँ पर वो जाने की कोशिश करता है। लुइस उसे रोकने के लिए जाती है लेकिन तभी शार्क आकर उसे खा जाता है। फिर लुइस भागकर वापस बोट पर आ जाती है। दोनों वहाँ से बचने का उपाय निकाल रहे होते हैं तभी शार्क आकर उनकी बोट पर टक्कर मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर शार्क लुइस के दोस्त को भी मार देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद दूर से एक मोटर बोट गुजरती है। लुइस मदद के लिए बहुत चिल्लाती है पर कोई भी मदद के लिए नहीं आता। फिर लुइस जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऑक्सीजन मास्क पहनकर पानी में जाती है ताकि वो ट्रांसपॉन्डर को ऑन कर सके और उसे बचाने के लिए वहाँ कोई आए। पर वो वहाँ जाकर देखती है कि ट्रांसपॉन्डर खराब हो चुका है और तभी शार्क भी उसके आसपास घूमने लगता है लेकिन वो जैसे तैसे अपना जान बचाकर वापस बोट पर आ जाती है। फिर जब वो बोट को आगे लेकर जा रही होती है तभी पानी में मरा हुआ उसका एक दोस्त दिखाई देता है जिसको वो अपनी बोट पर उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो जैसे ही उसे उठाती है तो देखती है कि कमर से नीचे वाले भाग को शार्क खा चुका होता है। फिर जैसे ही लुइस उस किले के पास पहुंचने वाली होती है शार्क उसके बोट पर हमला करता है जिससे उसकी बोट की हवा निकलने लगती है लेकिन वो अपना हिम्मत जुटाकर उस किले तक पहुंच जाती है जहां एक लकड़ी का नाव बना होता है जिसमें पानी की बोतलें उस सामान एक रेडियो और एक गन होता है। लुइस उस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है पर उसमें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। जब लुइस बैठकर सोच रही होती है उतने में ही उसकी बहन तैरते हुए आती है जिसकी एक टांग टूट चुकी होती है। लुइस उसे अपने बोट पर खींचती है और उससे पूछती है तुम जिंदा कैसे बच गई। तो उसकी बहन उसे बताती है मैं प्लेन क्रैश होने से पहले ही कूद गई थी जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। फिर लुइस उसके पैरों पर पट्टी बांधती है और फिर कुछ इमोशनल बातें वहाँ पर होती है। उतने में ही रेडियो से एक सिग्नल आता है जिसमें कोई बोलता है हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे बचाने के लिए आ रहे होते हैं शार्क उनके बोट पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। फिर लुइस और उसकी बहन फैसला करती है हमें शार्क को मारना ही पड़ेगा तभी हम यहाँ से जिंदा बच के जा पाएंगे। तो वो लोग उस किले के पत्थर पे ही एक रस्सी बांध देते हैं और जैसे ही शार्क उन्हें खाने के लिए आता है वो लोग उस रस्सी की मदद से उस पत्थर को शार्क के ऊपर गिरा देते हैं जिससे कि एक शार्क मर जाता है। फिर लुइस को पानी में एक गन दिखाई देता है जिसे लाने के लिए वो पानी में चली जाती है पर लौटने वक्त शार्क उसके पीछे आने लगता है और जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है लुइस की बहन शार्क पर एक चाकू लेके हमला कर देती है लेकिन शार्क लुइस के पैरों को खा जाता है जिसकी वजह से लुइस की बहन भी मर जाती है। फिर लुइस दूसरे शार्क को मारने के लिए गन और पेट्रोल निकालती है जो कि उस नाव पे पहले से ही मौजूद होता है। लुइस दूसरे शार्क को भी जलाकर मार देती है। लास्ट में बस एक ही शार्क बचता है तो लुइस तैर कर उस बोट पर चली जाती है जिस बोट से कुछ लोग लुइस और उसकी बहन को बचाने आने वाले थे लेकिन उस बोट पर जाकर लुइस को पता चलता है कि इस बोट का भी मोटर खराब हो चुका है जिसकी वजह से उसका बोट भी नहीं चलेगा। लेकिन उस बोट पर एक ऑक्सीजन टैंक होता है तो जैसे ही शार्क उस लुइस को खाने के लिए आता है लुइस उस ऑक्सीजन टैंक का कवर आगे से खोल देती है जो सीधे शार्क के मुंह के आर पार हो जाता है और इस तरह लुइस तीनों शार्क को मार देती है और घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद लुइस एक वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के बारे में अपने सब्सक्राइबर को बताती है कि कैसे ये सब घटना हुआ और ऐसे ही हमें मूवी का दी एंड देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए।